मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आजकल आप सभी बिजी होंगे अपने अपने घरों के काम में, ऐसे मैं बिजी थी तो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना पाई। ब्लॉगिंग तो की है पर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। अभी जा रही मैं पूजा के लिए और आपको दिखाती हूँ कि मेरी छत कितनी फैली हुई है आज। तो दोस्तों, माला लगने का काम भी मेरे घर में शुरू हो चुका है। मतलब कल दिन इतना बिजी था हमारा, बहुत ज़्यादा। अब मेरा क्या क्या फैला था पहले मैं आपको वो बताती हूँ। कपड़े धोने का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। इधर मैंने डाली थी बड़ी, करवा चौथ के बाद जो है थोड़ा बहुत टचिंग मेरे घर की रह गई थी, वो सब हमने शुरू करी। और बाकी सफाई तो मैंने नवरात्रों में कर ली थी, लेकिन फिर भी एक फाइनल करना पड़ता है एक और वो। तो बड़ी बनाने के बाद जो है मेरा घर, ये देखिए, इस कमरे में थोड़ा ठंडे कपड़े रखे मैंने। ये सब धुले हुए कपड़े हैं जो अभी सेटिंग करनी है, टेडी बेयर्स वगैरह धुलने हैं, तो इस वजह से मैं सारा ब्लॉग नहीं बना पाई। और इधर बना रखी हमने बड़ी। तो ये जो बड़ी है दोस्तों, ये है खीरे की, जो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रही होगी आपको। और जो काली काली दिख रही है वो है पापड़ की बड़ी, यानी कि पिनालों के जो पीछे डंडे होते हैं, नौले कहते हैं उनको, उसको कस के जो हमने बड़ी बनाई है, ये है उसकी बड़ी। तो ये कमरा पूरा बड़ी की खुशबू से महक रहा है। दो जगह हैं, ये सब दादी ने उठा के रखी है। सो गाइस, इसीलिए बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं। ब्लॉगिंग बहुत सारी बना के रखी है मैंने, पर मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको एडिट करूं और अपलोड करूं, क्योंकि पार्लर, घर और सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। पहले फिर भी मैं कर ले रही थी, अब मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। शाम के 8:30 बजे ऊपर आती हूँ तो थक जाती हूँ। सुबह से अपनी दिनचर्या 5 बजे स्टार्ट होती है, बच्चों को स्कूल भेज के, फिर हस्बैंड का खाना वाना, क्योंकि दिवाली में उनका भी सीजन चलता है, उनका खाना वाना करके उनको भेज के फिर मुझे घर के काम करने होते हैं। क्योंकि जो मेड है मेरी, इतनी बार चेंज हो गई है, मेड चेंज होती रहती है, तो उनको काम सिखाता रहना पड़ता है। मतलब जैसे मैं इसको काम पूरा सिखाऊंगी फिर इसका जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉपर एक अच्छी सी मेड नहीं मिल पा रही मुझे जो मेरे साथ पूरा टाइम रहे या काम करे। तो देखती हूँ फिर अभी ये वाली का क्या है सीन। ये तो गर्मियों में कह रही है कि मैं जाऊँगी अपने नेपाल, और इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही। करवा चौथ के बाद तो मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। और आपको मैं दिखाती हूँ इस बार माली ने जो मेरे घर में गार्डनिंग का काम किया वो कितना अच्छा किया है। मतलब गार्डन बहुत अच्छा उसने, मतलब खाद वाद डाली। ये गुलाब काफ़ी टाइम से मेरा खिल नहीं पा रहा था पर बहुत अच्छा खिला इस बार, ये देखिए। तो गुलाब की वैरायटी मेरे पास बहुत सारी है, येल्लो, इसमें दो कलर आते हैं, इसमें शेडेड भी है, ये डार्क पिंक है, ये भी पिंक कलर है, ये बेबी पिंक, ये वो वाला गुलाब है जो बहुत खुशबू देता है, बहुत खुशबू। इसको मंदिर में ही चढ़ा लेती हूँ। एक पिंक ये है, पिंक के सब अलग अलग शेड है, वो ऑरेंज है एक जो मैंने आपको दिखाया था, एक पिंक है। ये गुलड़ इस बार मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट किया है, करवा चौथ से बहुत अच्छे खिल चुके हैं, अभी इनमें पानी डालना है। और कल मेरा एक गमला टूट गया है दोस्तों, क्योंकि जब ये माला लग रही थी तो उसी से, जिन्होंने माला लगाई उनसे ही गमला टूट गया। अभी सारा ये भी सेट करना है मैंने, तो इसीलिए जो है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। जय हो सूर्यदेव। हस्बैंड भी लगे हैं काम में, तो पहले मैं करती हूँ दिया बत्ती, क्योंकि बहुत देर हो गई है, खाना भी बनाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो फटाफट पहले दिया जलाने का काम करती हूँ, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस, दिया जला दिया है और अब मैं कपड़े लेके जा रही हूँ नीचे, और अभी मुझे बनाना है खाना, क्योंकि हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया। आज संडे था तो हम थोड़ा लेट उठे, थोड़ा लेट उठने की वजह से सारा काम हमारा आगे पीछे हो जाता है। भाई सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, मतलब हल्की हल्की, और बाज़ार में आ गई है लाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नीचे जाके लाई को बीनूंगी, वहीं चाय भी पीऊँगी, तो वहीं सब्जी भी साफ़ हो जाएगी और वहीं जो है चाय भी पी ली जाएगी। तो चाय वहीं पीने के बाद, खाना बनाने के बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, यहाँ बैठ के करूँगी मैं सब्जी साफ। और हस्बैंड बाहर लगे हैं धुलाई में। तो सीमा जी ने घर की सफाई पूरी कर ली और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि दिवाली के दिन कौन सी साड़ी पहने। तो गाइस, बहुत दिनों बाद आपको नैतिक इस ब्लॉग में रोता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी बहुत शैतानी हो गई है जो हद से ज़्यादा बढ़ गई, पिट रहा है। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ शाम में पार्लर में, क्योंकि आज जो है पूरी घर की सेटिंग आपने देख ही ली थी। कल मैंने थोड़ा लाइट्स भी चेंज करवाई है अपने पार्लर में, खी वाली लाइट लगाई है, पर ये लोग कह रहे हैं कि इससे उजाला हो नहीं रहा है। आज हम लोग बना रहे हैं पार्लर में ग्रीन टी।
तो ये वाली ग्रीन टी बन रही है अज्जू के लिए। क्यों ग्रीन टी ऐसी होती है? सासू माँ तो बस ऐसे समझती है। हो रही नहीं गर्म, हल्की हल्की मीठी। लाइट मैंने चेंज करवा के ये वाली लगवाई है, पार्लर की लाइट को एक्सचेंज कर दिया है मैंने। तो अभी हो चुका है टाइम दिया बत्ती। गाइस यहाँ मंदिर में मैंने पेंट कर दिया, कल इसमें एप्पल पाड़ने हैं। दिवाली की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है और पहले मैं करती हूँ पूजा पाठ। तो गाइस यहाँ हो चुकी है पूजा पाठ और साथ में मैंने बाहर की लाइट भी जला दी है, क्योंकि आज इधर जो है मंदिर में पेंट लगा हुआ है तो हमने मंदिर इधर शिफ्ट कर दिया है और तो यही दिया बत्ती कर दी है। स्टेलू मेरी बच्ची, मम्मा की पूंछ। तो बहुत दिनों बाद आपको मेरे ब्लॉग में स्टेला देखने को मिलेगी, क्योंकि आजकल ये महारानी ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सो गाइज यहाँ लग चुकी है माला। सो गाइज यहाँ लग चुकी है हमारे घर में आज माला दिवाली की, और अभी नीचे वाले घर में लगने का सिलसिला चल रहा है। लाइट लगवाते लगवाते हमें रात हो चुकी है, लेकिन इधर वाले घर में लाइट नहीं लग पाई। ये है हमारा पुराना घर और उधर वाले घर में तो लाइट लग गई और बहुत ही सुंदर लग रही है। उसकी छत की डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगी तो और भी ज़बरदस्त है। तो दिवाली में बड़ा अच्छा लगता है कि साफ सफाई सब कुछ नैतिक नहीं कर। देख के इस लड़के की शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, इतना बदतमीज़ हो गया ये। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी छत की डेकोरेशन। आज मुझे जाना था दिए वगैरह लेने, टाइम बिल्कुल नहीं हुआ मुझे। मीठी ले गई। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरे घर की डेकोरेशन प्लीज़ आप बताइए। अभी तो सिर्फ ये बाहर की है, धीरे धीरे आपको मैं घर के अंदर की डेकोरेशन दिखाऊंगी जो मुझे धीरे धीरे करनी है। और बाहर तो सज चुका है, अब इधर जो है हमारा पुराना घर ये भी सजने वाला है। लाइट्स यहाँ लग गई हैं, दिख रही होंगी, पर अभी जली नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आपको नीचे से दिखाऊंगी इधर की लाइट, और यहाँ से मैंने दिखाई आपको उधर की लाइट। तो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग लगे होंगे अपने अपने डेकोरेशन में, तो सभी का घर सजा होगा। हमारा मोहल्ला तो पूरा डेकोरेशन करवाते करवाते मुझे पता नहीं मोमो खाने का इतना मन कर रहा है ना, बड़ा मन कर रहा है कि आज मोमो मिल जाए। तो देखती हूँ कि अगर कोई होगा मोमो लाने वाला तो मोमो खाएंगे। मैं तो मोमो खाने का मन हो रहा है, मेरा भी बड़ा हो रहा है। तो देखते हैं अभी कोई अगर हमारे लिए मोमो ला सके तो। कोई है जो हमारे लिए मोमो ला सकता है? हैं? मैंने कहा कोई है जो हमारे लिए मोमो ला सकता है? तो नैतिक जो रोड पे चल रहे कह रहे ये अंकल ले आएंगे तुम्हारे। ऐसे किसी से भी मोमो थोड़ा ना मंगा सकते हैं। मंगा सकते हैं मेरे दोस्त। दीवार में भी लग जाती है ना लाइट, तो बड़ी अच्छी लगती है जो उधर खाली पड़ा हुआ है ना। ऊपर देखिए आप, इसके बगल में है ना। गाइस अब माला चेक होगी, चला के देखाओ भैया। खुद ही पैजामे की ड्रेस बनाई इसे, देखो पैजामे की। अच्छा नहीं लग रहा देखो, पता भी नहीं चल रहा है। हेलो बीन, भूत बन रखे ना बाप। चले तो गए हो, तो यहाँ दोनों हेलोवीन की तैयारी कर रहे हैं। गाइस हैप्पी हेलोवीन। वैसे हेलोवीन आज पिछले दिन चला गया ना, बच्चे हमने आज मेकअप कर लिया। ऐसे मेकअप करना तुम नैतिक, कुछ शब्द कहना चाह रहा तुम लोगों के लिए क्या? थैंक यू। तुम ऐसा करना ना, जहाँ भी फंक्शन में जाओ ये मेकअप करके जाओ, अच्छा लग रहा है मेकअप तुम लोगों पे। मैंने किया दोनों पे, चट्टे पड़े हैं मुंह पे दबाए, और ये मैंने लगाया हुआ था ऐसे ही, लेकिन इसने चिड़के मारे फैला दिया, मेरा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ड्यूटी जी फोटो खींचने जल्दी आने में। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ, ओपनिंग हुई थी यार। सो गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे आज यहाँ ओपनिंग के लिए आना था, पर बहुत लेट हो गई। पर कोई नहीं, मैं आई हूँ शाम में इत्मीनान से। यहाँ जो है मामी जी कर रही है मेरा वेलकम। सो दोस्तों यहाँ पे जो शॉप खुली है इसमें ब्रांडेड आइटम वो भी बॉयज़ का एंड गर्ल्स दोनों ही आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया जीन्स जो है भारी डिस्काउंट में है। सब कुछ अभी जो है दिवाली ऑफर में डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हस्बैंड की शॉपिंग इसी शॉप से करूँ। तो आप लोग भी आएँ यहाँ जरूर। बहुत कस्टमर होंगे ना मामी? काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया अच्छा रहा उसका काम। सो गाइज यहाँ विंटर्स के लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी जैकेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगी, और साथ में बैग भी बहुत बढ़िया है। किलर के है ना गुलू ये? हाँ। किलर के बैग। तो आज मैं भी कुछ शॉपिंग करती हूँ यहाँ से। हाँ, दिन में से इंतजार हो रहा है मैडम का। अब
सो गाइज़, मैंने तो यहाँ से शॉपिंग कर ली और पूरा एक एक कपड़ा मैंने देख लिया। मतलब कपड़ा भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रांड है तो क्वालिटी अच्छी होगी होगी। तो ये जो यहाँ पर हैं, ये यहाँ के ओनर हैं, तो इन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की कपड़ों को चूज़ करने में। सो गाइज़, ब्रांड के साथ साथ ओनर ने भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं तो। ये बहुत ही अच्छे ओनर हैं देवेश, वैसे हम प्यार से गोलू कहते हैं। तो यहाँ सारा किलर और क्या है गोलू उसके अलावा? MBO है, सारे मिक्स ब्रांड है, एरो है, पीटर इंग्लैंड है, सारे ओरिजिनल आर्टिकल हैं, 1000 रुपीस प्राइस में है। अच्छा, तो 600 से डेनिम स्टार्ट है, 100 रुपीस से टी-शर्ट वगैरह स्टार्ट है। अच्छा, अभी भारी डिस्काउंट है, मतलब दिवाली ऑफर चल रहा है। ये वैसे रहेगा और टाइम रहेगा ना तो ऑफर। सो गाइस, बहुत अच्छा ब्रांड का सामान आपको हमारे घर के जस्ट बगल में मिल सकता है, तो आए यहाँ आके शॉपिंग करें। गाइस, घर के बाहर पूरी माला लग चुकी है और मैं आ रही हूँ ओपनिंग से। तो आप लोगों ने देख ही ली कि कितनी अच्छी शॉप खुली है, तो मैंने कहा बाहर से क्यों ना आपको घर का लुक भी दिखा दूँ। सो गाइस, बहुत अच्छे कपड़े हैं, ब्रांडेड। क्या हुआ? सो गाइस, यहाँ बच्चे कर रहे हैं मोमो पार्टी। चटनी कैसी है? मेरे को भी दे। मिलने नहीं बचा है, ये क्या है? चटनी दे यार। आने के बाद मैं लग गई थी घर में खाना वाना बनाने के लिए, और यहाँ जो है हमारी आज लाइट लग गई है घर में। सोचा क्यों ना आपको छत का व्यू भी दिखा दूँ। तो छत में हर साल मैं इस तरीके की लाइट लगवाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम लोगों को बम वगैरह तो ऊपर छत में कुछ जलाने नहीं होते, तो सब कुछ हम नीचे ही करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना आज इस बार, और पिछले वाले साल में भी मैंने इसी तरीके की माला लगवाई थी। ये देखिए दोस्तों, वहाँ से आने के बाद जो है मैं लग गई थी खाना वाना बनाने में। हस्बैंड तो आजकल लेट आते हैं क्योंकि दिवाली की वजह से शॉप जो है थोड़ा लेट बंद होती है। तो मैंने कहा क्यों ना तब तक आपको छत का नज़ारा दिखा लूँ। खाने में आज मैंने बनाई है भिंडी और रोटी। तो अब इसी के साथ मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करूँ, और कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आजकल के ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि बीच में मैंने ब्लॉग बनाए नहीं। ब्लॉग तो बनाए पर मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाया, और फिर थोड़ा पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा इसलिए भी परेशान थी। तो रात के बज चुके हैं 9, और अब आ चुके हैं हस्बैंड जी। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।